हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS160 के बारे में। देखिए, आपको पता है दोस्तों, NS160 भी बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक्स है, लोग इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बजाज को इसमें अपडेट भी लाना चाहिए, नो डाउट, लेकिन भाई आज भी ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है। सो दोस्तों, आज के जो वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, किस बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर दोस्तों NS160 के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बजाज पल्सर NS160 के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं तो भाई सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में ही सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, NS160 एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,23,000, जी हाँ, 1,23,000 रुपये के आसपास की बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्ज में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ 1,52,000, 1,52,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, NS200 में इंजन टाइप में 160.3 सीसी का ऑयल कूल ट्विन स्पार्क प्लग DTSI FI सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें NS160 के पावर के बारे में, तो ये बाइक मैक्सिमम पावर अराउंड 17.2 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है 9,000 RPM पे, एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 14.6 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 7,250 RPM में पावर जनरेट करती है। इट मींस आपको बाइक में पावर एंड जो टॉर्क है भाई, वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। आज भी आपको बता दूं, NS160 की जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच है। जी, तो NS160 की परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, आपको बताया कि NS160 में बजाज की ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी आती है, तो ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी होने की वजह से बाइक की आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलती ही मिलती है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको बाइक की जो माइलेज है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलती है। तो ये भी यहाँ पे बजाज ने काफी अच्छे से इस बाइक को डिजाइन किया है। बाकी नो डाउट बजाज को इसमें थोड़ा सा अपडेट भी लाना चाहिए, जो बाइक की टेक्नोलॉजी है वो भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस बाइक में आपको ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिलता है। जैसे कूलिंग सिस्टम में आपको बाइक में ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है, एंड वही दोस्तों फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जिससे फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक में आपको नंबर ऑफ वन सिलेंडर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए, बाइक में जो नंबर ऑफ वॉल्व आते हैं वो 4 वॉल्व इंजन है। इन्होंने अपनी N160 लाई है वो 2V इंजन है, और अपनी पुरानी वाली NS4V इंजन है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो देखने को मिल जाते हैं। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS160 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा कि अगर आप NS160 चलाते हैं, आपने ये बाइक राइड की है पर्सनल, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को लेकर। बाकी मुझे जहां तक पता है दोस्तों, बाइक बहुत ज्यादा बेहतर है। ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के माइलेज प्लस टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों, इस बाइक की जो माइलेज है अराउंड आपको 40 to 45, 40 से 45 के आसपास का इजिली आपको ये बाइक निकाल कर दे देगी। मतलब कहीं ना कहीं बाइक में आपको जो माइलेज है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें 0 to 100 में, इस बाइक को लगभग 14.5 सेकंड के आसपास के लगते हैं। ठीक है, 0 to 100 में इस बाइक को 14.5 सेकंड लगते हैं, एंड टॉप स्पीड इस बाइक के अराउंड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। दोस्तों, स्पीडोमीटर में सबसे पहले बाइक की की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिलती है। बात करें इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो आज भी दोस्तों बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि भाई बजाज इसमें फुली डिजिटल मीटर में काम करे, बट फिलहाल अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आज भी आपको बाइक में एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। फीचर्स में आपको बाइक में स्पीडोमीटर मिलता है, टेकोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, क्लॉक मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, लो ऑयल इंडिकेटर मिलता है, लो बैटरी
इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टेन इंडिकेटर मिलता है, साथ में आपको बाइक में क्लॉक भी देखने को मिल जाएगा। साथ में दो स्विचेस दिए हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। स्विचेस में लेफ्ट हैंड साइड में पास असिस्ट, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप और हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में इंजन किलसी और सेल्फ का जो स्विच है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों सस्पेंशन में बता देना चाहूंगा आपको, बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, बट बाइक के जो सस्पेंशन है काफी अच्छे हैं, आप काफी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। रियर में आपको बाइक में नाइट्रो मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। फ्रेम में आपको बाइक में पैरामीटर फ्रेम देखने को मिलता है, काफी अच्छी फ्रेम यूज की गई, बट वेट थोड़ा सा ज्यादा है मुझे लगता है चेसिस में बाइक का, वेट में थोड़ा बजाज को ध्यान देना चाहिए। बात करें इस बाइक के डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ अराउंड है 2017 mm की, बाइक की जो ओवरऑल विड्थ अराउंड 803.5 mm की, बाइक की जो ओवरऑल हाइट अराउंड 1060 mm की है एंड बाइक की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है अराउंड 177 mm के आसपास की ग्राउंड क्लीयरेंस आपको बाइक में मिलती है। बाइक की सीट है 805 mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाइक की व्हीलबेस है अराउंड 1352 mm की। बाइक का कर्व वेट है अराउंड 151 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 12 लीटर की, जी हाँ 12 लीटर जो पेट्रोल है एक बार में आप इस बाइक में फ्यूल करा सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक की लाइटिंग्स के बारे में। दोस्तों लाइटिंग्स में भी बजाज NH160 में आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे डिसएडवांटेज मिलेंगे, क्योंकि आज भी आपको भाई लाइट में देख पा रहे कि बाइक में आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलता है, जबकि हम काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे कि बजाज में फुली LED लाइट में काम करेगा, बट फिलहाल अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बाइक में आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप भी बल्ब है, टेल लाइट में आपको जरूर इसमें LED देखने को मिलेगा एंड 12 वॉट की मेंटेनेंस फ्री जो बैटरी वो यहाँ पर यूज की गई है। बात कर लेते हैं बाइक की ब्रेकिंग एंड टायर साइज के बारे में। दोस्तों टायर साइज में आपको बताना चाहूंगा, फ्रंट में इस बाइक में आपको 90-90 के टायर देखने को मिलते हैं, रियर में आपको बाइक में 120-80 के जो टायर है वो देखने को मिल जाएंगे। ब्रेकिंग में दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अब ये डिसएडवांटेज क्यों है भाई, इन्होंने अपनी पल्सर N160 में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन दिया, तो ये लोग NS में क्यों नहीं दिए? सोचने वाली चीज समझो कि बजाज की जो यार मार्केटिंग स्ट्रेटजी है मुझे समझ में नहीं आती कि जो ऑलरेडी जो बाइक पॉपुलर है ये लोग उसे अपडेट नहीं कर रहे, और जो बाइक आ रही है नई जो कि चल भी नहीं रही है फ्लॉप हो रही है ये लोग उसमें अपडेट ला रहे हैं। तो ये भाई मुझे बजाज का समझ में नहीं आता, कि आप लोग मेरी बात से एग्री हो, इसमें भी डुअल चैनल ABS होना चाहिए। फ्रंट में इसमें 260 mm की प्लेट मिलती है, रियर में आपको बाइक में 230 mm के आसपास की प्लेट देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS160 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों की ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों NS160 आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत प्यारी बाइक है, आप लोगों को इस बाइक को खरीदना भी चाहिए नो डाउट, लेकिन ये भी है कि बजाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बाइक में अपडेट भी करना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बनाए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।